इधर देवघर पुलिस ने 48 घंटे के अंदर एक हत्या की गुत्थी को सुलझाने में कामयाब हो गई है। सारवां थाना क्षेत्र के महतो डी गांव में 17 वर्षीय युवक का शव मंगलवार को एक कुएं से बरामद किया गया था, जिसकी पहचान रजीबुल शेख के रूप में की गई है। हत्या के इस अनुसंधान के क्रम में पुलिस को पता चला कि रजीबुल शेख और शुभम सिंह दोनों ही कोलकाता से मोबाइल लाकर बेचने का काम करते थे। ये लोग डुप्लीकेट मोबाइल लाकर उसे बेचते थे, लेकिन पैसे के बंटवारों को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद 13 तारीख को शेख ने अपने दोस्त शुभम को फोन कर बुलाया और उसे शराब पिलाई, फिर नदी के किनारे ले जाकर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और लाश को छुपाने के मकसद से उसे कुएं में डाल दिया। वीवो कंपनी का डुप्लीकेट मोबाइल लोग लाते थे कोलकाता से और उसको बेचते थे। इसी मोबाइल के बेचने और मोबाइल के लिए पैसा को लेकर ये अपने दोस्त शुभम जो है, जो व्यक्ति संदिग्ध है, वो अपने दोस्त सुजाबुल का हत्या कर दिया कि अगर उसका हम हत्या कर देंगे तो ये मेरा मोबाइल, 3 मोबाइल हमको हो जाएगा। इसके लिए वो 7 बोतल बियर उसको पिलाया। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने शुभम को गिरफ्तार कर लिया। शुभम ने भी हत्या करने की बात को माना है, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। इस हत्या का मकसद सिर्फ इतना था कि शेख की हत्या के बाद ये सारे पैसे शुभम को मिल जाने थे, साथ ही उसका 3 मोबाइल फोन भी इसे मिल जाता। हत्या की गुत्थी सुलझ जाने के बाद यह बात सामने आ गई है कि देवघर के रेड रोज स्कूल में पढ़ने वाला 12वीं का छात्र पैसे के लोभ में अपनी जान गंवा बैठा। नदी में ले जाकर उसका गला घोटकर मार दिया और लाश को छुपाने के लिए अपने गांव के बगल के कुएं में जाकर उसका लाश को डाल दिया, उसका जूता डाल दिया, हेलमेट डाल दिया। CDR के आधार पर हम लोग इसको पकड़े हैं और इन्होंने अपना कन्फेशन भी दिया है। कन्फेशन के आधार पर ये 3 मोबाइल बोतल विक्टिम का फुल पॉइंट बरामद किया।